बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 3 का गेस्ट पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो आप लोगों का प्ले से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं, आप लोगों ने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, इनके आंसर आप लोगों ने 3 से 4 या 5 लाइन्स के दरमियान देने हैं। कोशिश करनी है आप लोगों ने इनके आंसर पॉइंट टू पॉइंट देने हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 3 का गेस बताऊंगा, जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पास पेपर से ठीक है होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले हम पंजाब के तमाम बोर्ड्स, ये साहिवाल है, ये रावलपिंडी है, ये डीजी खान है, ये फैसलाबाद बोर्ड है, ये लाहौर बोर्ड है, और ये रावलपिंडी बोर्ड है, और ये मुल्तान बोर्ड है, ये गोजरांवाला बोर्ड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पास पेपर से क्वेश्चन नंबर 3 का गेस बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा इनको अच्छे से याद करना है। अज़ीज़ तुलबा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन को आप लोग साथ साथ नोट करते रहें, या फिर आप लोग ऐसा करें अपनी बुक 3 निकाल लें, उनको जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा उन क्वेश्चन पर टिक लगाते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पहला पार्ट है, वाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर। सेकंड पार्ट है, वाई डज द गर्ल नॉट वांट टू गो टू द पुलिस। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द इंप्रेशन ऑफ द गर्ल अबाउट द सेकंड मैन। फोर्थ पार्ट है, हाउ डज क्रेटोन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। फिफ्थ पार्ट है, वाई डज मिस्टर स्पेडिंग कॉल हिज डॉटर मिस नो इट ऑल। पार्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रेटोन विजिट। और सेवन पार्ट है, हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी। एट पार्ट है, व्हाई डज क्ले नीड मनी। ये था साहिवाल बोर्ड का पास पेपर से क्वेश्चन नंबर 3। अब देखने जा रही हैं बहावलपुर बोर्ड के पास पेपर से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 8th पार्ट है, पहला पार्ट है, वाई कुड द गर्ल नॉट डिस्क्राइब द किलर। सेकंड पार्ट है, वाई डिड द गर्ल आस्क द फर्स्ट मैन फॉर हेल्प। और जो थर्ड पार्ट है, व्हाट वाज द गर्ल्स इंप्रेशन अबाउट द सेकंड मैन। और फोर्थ पार्ट है, हाउ डज क्रेटोन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ये क्वेश्चन पिछले पास्ट पेपर में ही पूछा गया था, जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था। ये क्वेश्चन बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन है, हाउ डज क्रेटोन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। अज़ीज़ तुलबा, आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, जो फोर्थ और जो फिफ्थ पार्ट है, वाई कैन द पीपल ऑफ द अर्थ नॉट कम्पीट विद दोज ऑफ क्रेटोन। सिक्स्थ पार्ट है, राइट द थीम ऑफ क्रेटोन स्टडी। और सेवन्थ पार्ट है, वाट हैज़ हैपन्ड टू क्लेज़ फादर। अज़ीज़ तुलबा, ये जो गैस है पंजाब के तमाम पास पेपर से है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, साथ साथ इन क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेते रहें, बाद में आप लोग अपनी बुक से इनको तैयार कर लें। इससे पहले इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का गैस देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से लेटर्स और एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। आप लोगों ने या तो लेटर लिखना है या तो फिर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 10 नंबर का है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आप लोगों ने कहानी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप लोग वहां से जाकर भी वीडियो देख सकते हो। मैंने आप लोगों को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, और जो 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, ठीक है, कहानियाँ हैं, वो आप लोगों को बताई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, इन तमाम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो पास पेपर है, ये डीजी खान बोर्ड का पास पेपर है। ठीक है, डीजी खान के पास पेपर से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डज द गर्ल बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन। सेकंड पार्ट है, व्हाई इज़ द सेकंड मैन हैप्पी अबाउट द बस बीइंग लेट। थर्ड पार्ट है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर इन हीट लाइटिंग। फोर्थ पार्ट है, हाउ मच मोर एडवांस्ड इज़ द सिटीजन ऑफ क्रेटोन देन दैट ऑफ द अर्थ। जो फिफ्थ पार्ट है, वाई डज क्रेटोन डिसाइड टू फर्दर ऑन द अर्थ। वाई डज क्रेटोन डिसाइड टू स्टे फर्दर ऑन द अर्थ।
जो छठा पार्ट है, हाउ एंड व्हाट डज क्रीटोन रीड इन द माइंड ऑफ जनरल पावर्स, जो सातवां पार्ट है, व्हाट इज़ हैरी फिलासफी, एट्थ पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्लीकर्थ। अब देखने जा रही हैं फैसलाबाद बोर्ड का पास पेपर से, अब देखने जा रही हैं फैसलाबाद बोर्ड के पास पेपर से क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पहला पार्ट है, व्हाई डिड द गर्ल कंसीडर फर्स्ट मैन हर हेल्पर, सेकंड पार्ट जो है ये पिछले किसी बोर्ड में पहले भी पूछा गया है, डज द गर्ल बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द प्ले प्रोग्रेसेस, थर्ड पार्ट है, व्हाई डिड द गर्ल रिफ्यूज टू गो टू द पुलिस स्टेशन, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो फोर्थ पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000, फिफ्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर इन द प्ले, सिक्स्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रीटोन स्टडी, सेवन्थ पार्ट है, व्हाट डज क्ले वांट टू पुट इन द लोकल न्यूज़पेपर। अजी तुलबा, आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर थ्री का शॉर्ट क्वेश्चन होगा इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। अब देखने जा रही हैं लाहौर बोर्ड के पास पेपर से क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला पार्ट है, व्हाट वर द सर्कमस्टेंस दैट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार, सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वेदर इन द प्ले हिट लाइटिंग, थर्ड पार्ट है, व्हाट वाज द गर्ल्स इंप्रेशन अबाउट द सेकंड मैन, फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रीटोन विजिट, और जो पाँचवा पार्ट है, हाउ मच डैमेजिंग इज वायलेशन इन लाइफ, जो छठा पार्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर इन द प्ले, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। सातवां पार्ट है, व्हाट इज़ हैरी फिलासफी इन द प्ले, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैरी चार्ज फॉर हेयर कट। अब देखने जा रही हैं रावलपिंडी बोर्ड्स का पास पेपर से क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पहला पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ प्ले हीट लाइटिंग इज, सेकंड पार्ट है, हाउ डिड द गर्ल रिकॉग्नाइज द किलर, हाउ डिड द गर्ल रिकॉग्नाइज द किलर, क्वेश्चन में चंद अल्फाज चेंज किए गए हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। फोर्थ पार्ट है, व्हाई वाज द गर्ल नॉट रेडी टू गो टू द पुलिस, जो पांचवा पार्ट है, व्हाई डज पावर कंसीडर क्रीटोन एज अ जोकर, छठा पार्ट है, हाउ डज क्रीटोन लुक, सातवां पार्ट है, व्हाई डज क्ले वांट टू पुट एड इन द लोकल न्यूज़, Why does Clay want to put ad in the local newspaper? How much damaging is violation in life? अब हम देखने जा रहे हैं गुजरांवाला बोर्ड्स के पास पेपर से क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पहला पार्ट है, Why did the girl ask for help from the first man? सेकेंड पार्ट है, व्हाई डिड नॉट द गर्ल कंपनी द सेकेंड मैन, हाउ डिड द गर्ल रियलाइज द ट्रूथ इन द प्ले हिट लाइटिंग, फोर्थ पार्ट है, हाउ डज क्रीटोन प्रूव हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, फोर्थ क्वेश्चन तकरीबन हर बोर्ड्स में पूछा गया है। फिफ्थ पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000, सिक्स्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रीटोन स्टडीज, सिक्स्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट है, What has happened to Clay's father? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का गैस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर का जो गैस होगा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पास पेपर से मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एक बोर्ड के पास पेपर से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर बताऊंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में हर बोर्ड के पास पेपर से क्वेश्चन नंबर थ्री के जो मुख्तलिफ एट पार्ट्स हैं आप लोगों को बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करें, ये बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आप लोगों के पास एट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, आप लोगों ने फाइव अटैम्प्ट करनी है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पहली दफ़ा हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।